नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में आज सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, जिसको लेकर बिहार जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, देखिए इस वीडियो में। राहुल गांधी के संबंध में जो याचिका दायर की वो निरस्त हुई। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ, जिनके ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जिनकी राजनीति है, वो बड़े मग्न है। खैर, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय भी है, उच्चतम न्यायालय भी है। वो मामला कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करेगी या उसका विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति में कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। अरे, मोदी शाह को यह एहसास नहीं था क्या कि राहुल गांधी जी उस परिवार की विरासत के हैं कि जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि मेरे स्वस्थ होने के पीछे देश के पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे वो राजीव गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोदी साहब को इस बात का याद नहीं कि भारत बांग्लादेश युद्ध के समय अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, और वैसे परिवार जिसने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शहादत दिया, जो उनके भाजपा के पूर्व के नेताओं ने राजीव गांधी जी की प्रशंसा किया, इंदिरा जी की प्रशंसा अटल जी ने किया, लेकिन ये बदलते दौर हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद करके सद्धे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त की गई भावना को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो राजनीति का नया कुसंस्कार बीजेपी का विकसित हुआ है, वह यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला करते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जनता सब कुछ जानती भी है और समझती भी है।